अब हम जाएंगे दीवाने हाफिज की पहली गज़ल की तरफ, और इस उम्मीद के साथ कि ये हमारे लिए एक नेक फाल साबित हो और हमारी फ़ारसी की ये क्लासें पायदार रहें। हाफिज की दीवान में जो उसकी पहली गज़ल है वो ये उसका पहला मिसरा और आखिरी शेर का पहला मिसरा ये अरबी में है। अला या अय्युहस्साकी अदिर कासन व नाविल हा कि इश्क आसान नमूद अव्वल वली उफ्ताद मुश्किल हा। अला या अय्युहस्सा की अला ये इसको आप हर्फ़ निदा समझें जैसे किसी को आवाज़ देते हैं। अला या अय्युहस्सा की हाँ ऐ साकी अदिर का सन जाम भर दे वनाविल हा और इसको गर्दिश मेला। हाँ ऐ साकी जाम भर दे और इसको गर्दिश मेला ताकि मुझे भी पहुँच जाए। क्यों कि इश्क आसान नमूद अव्वल क्योंकि मैं आशिक हो गया हूँ मैंने इश्क इख्तियार कर लिया और ये इश्क आसान नमूद अव्वल पहले पहले तो आसान दिखाई दिया वली उफ्ताद मुश्किल हा बाद में बहुत सी मुश्किलें पड़ी। यानी मैं तो वो किसी का उर्दू का शेर है कि दिल लगाया था दिल लगी के लिए बन गया रोग जिंदगी के लिए कि मैं तो ये इसको दिल लगी समझता था इश्क मैंने इख्तियार किया लेकिन ये तो ज़िंदगी का रोग है बहुत मुश्किल पड़ी है। अच्छा अब उफ्ताद उफ्ताद पड़ा मुश्किल पड़ी मुश्किल आन पड़ी। अच्छा अब हमारे एक उस्ताद थे ईरान में शेखुल इस्लामी वो हाफिज शनास हैं वो हाफिज पढ़ाते थे ये गज़ल पढ़ाते हुए उन्होंने हमें कहा कि इश्क की सख्तियाँ इसमें हाफिज शिराजी और मौलाना रूम इनके नज़रियात जुदा जुदा हैं। क्यों हाफिज कहता है कि इश्क आसान नुमा है लेकिन बाद में मुसीबतें हैं। वो क्या करते थे कि हाफिज के नज़दीक इश्क आसान नुमाए दीर या बस्त कि इश्क देखने में आसान है लेकिन इसको पाने में बड़ा वक्त लगेगा देर या यानी बहुत देर से ये मिलता है। मौलाना रूम कहता है कि मौलाना रूम के इश्क अज अव्वल सरकशो हूनी बुवद था गुरीजद आंखे बीरूनी बुवद। ये मौलाना रूम है। मौलाना रूम कहते हैं कि इश्क जो है इसका पहला वार जो होता है वो बड़ा सख्त होता है इसलिए ताब इश्क अज़ अव्वल सरकशो बीरू
सुकूनी बुअत। पहला वार जो इश्क का है वो बड़ा तेज़ होता है, क्योंकि था गुरीजत था कि भाग जाए आँख की बुरीनी बुअत, जो कि इस मैदान की नहीं है। ये पहला हमला इश्क का तेज़ होता है, लेकिन हाफिज़ कहता है कि नहीं, इश्क पहले पहले आसान होता है, बाद में बड़ी मुश्किलें होती हैं। ये हाफिज़ के इस शेर के मानी हैं। अलाया आई हो साकी, हाँ साकी मुझे जाम पिला दे, इसलिए मैं आशिक हो गया हूँ और बड़ी मुसीबतों में पड़ा हूँ, तो इस मुसीबत को बुलाने के लिए मुझे जाम पिला दे ताकि ये मिट जाए मेरे दुख दर्द। क्लियर? बिबुए नाफई का खिर सबा तुर शायद बिबुए नाफा, नाफा जानते हैं, नाफा एक ख़ास किस्म की हिरन, हर हिरन नहीं, ना ख़ास किस्म की हिरन है जिसको शिकार के बाद उसका नाफ नाफ नून नाफ बांध लिया जाता है और उसके खून से वक्त गुज़रने के बाद जो चीज़ बरामद होती है उसको हम कहते हैं मुश्क। खालिस मुश्क वही है जो कि हिरन के नाफ से पैदा होती है। ज़िताबे जुर्दे मश्कीनश खून उफ्ताद दर दिलहा। अच्छा, अब इस पे ज़रा आप सोच करेंगे इसको तशरीह करने में कि आप समझ जाएं, ठीक है। बिबुए नाफई, उस मुश्क की बू का आखिर के आखिरकार सबा सबा बाद सबा जा जुल्फ उन जुल्फों से बिक शायद सबा जा तुर तुर कहते हैं चोटी को, चोटी औरतें जो बाल बनाती हैं उसको चोटी कहते हैं, पश्तो में क्या है छूटी। बहरहाल जिताबे जो उदी मुश्किनश, ये मुश्क उसकी मुश्क की बू सुनने के लिए चिखून उफ्ता दर दिलहा, कितने दिल खून हो गए हैं। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक तस्वीर बताता हूँ। तस्वीर यूं है कि सुबह के वक़्त महबूब बाम पर है, महबूब बाम पर है और उसने अपनी जुल्फें खोली हुई हैं। अब बाद सबा जब चलेगी तो इन जुल्फों की जो बू है खुशबू है मुश्क की, वो बाद सबा साथ लाएगी। तो कहाँ पर कि कहते हैं उस खुशबू के इंतज़ार में कितने लोग हैं जिनके दिल खून हो गए हैं, यानी इंतज़ार में, इस इंतज़ार में है कि अब बाद सबा चलेगी, महबूब के जुल्फों से वो मुश्किन खुशबू लाएगी और हम उसको सूंघेंगे। ये एक नाजुक ख्याली है, शायराना नाजुक ख्याली है, बस ये कि सुबह के वक्त एक जमगट्टा है, ठीक है। एक उर्दू का शेर मेरे जहन में आ रहा है कि जेर दीवार किस लिए है आशिकों का जमगट्टा, दीवार के नीचे आशिक क्यों जमा हुए, बाम पर वो माह कामिल
बेनकाब आने को है कि वो महबूब बग़ैर किसी पर्दे के बाम पर आने नज़र आने वाली है, इसलिए दीवार के नीचे जितने आशिक हैं वो जमा हो गए हैं। क्लियर है? सवाल है इसमें नहीं है। ये जोद के माने जोद, जोद हम कहते हैं छोटी छोटी, शायद वो ये औरतें जो अपने बालों को कंघी करती है और फिर उधर एक वो छोटी सी बना लेती है, शायद पश्तो में भी छोटी है, उर्दू में भी छोटी है, उसको जोद कहते हैं। जोद अभी एक बाल तो बिखरे हैं, एक वो जोद बनने हुए बाल। बिल्कुल, इसी गजल का अगला शेर है, मरा दर मंजिले जानान छे अमनो ऐश चू हर दम जरस फरियाद नीदारद कि बर बंदीद महमिल हा। मरा दर मंजिले जानान चे अमनो ऐश चूं हर दम जरस फरियाद मीदारद कि बर बंदीद महमिल हा। इस शेर में हाफिज का असल जो मुद्दा है वो दुनिया की बेसबाती है कि मैंने अपने यार के मंजिल में, अपने यार के साथ जो मैं ठहरा हूँ ठहराव में, तो इसमें मुझे अमन नहीं है न मुझे ऐश है। क्यों? कि चूँ हर दम, इसलिए कि हर वक्त जरस फरियाद मीदारद। जरस क्या है? जरस वो घंटी है जो कि काफिले के पहले वाले ऊंट में लगी हुई होती है, और जब काफिला की हरकत का वक्त होता है तो वो बजा देते हैं, तीन दफ़ा बजा देते हैं, चाहे पहले वक्त पर तैयारी है और फिर तीसरे पर रवानगी है। कहते हैं कि इस दुनिया में हमारा आना तो ऐसा ही है कि जरस हर वक्त किसी भी वक्त जरस बज सकती है कि चलो काफिला तैयार है, जाओ हरकत करते हैं। यानी दुनिया की बेसबाती है एक। दूसरी ये कि अगर मैं विसाले यार मुयस्सर है तो इस पर भी मुझे इत्मीनान नहीं है। वो कमर उस्ताद कमर जलाली का एक शेर है कि खौफ दिल से न गया सुबह के होने का कमर। अभी विसल की रात है लेकिन उसको खौफ है कि अब सुबह होगी। खौफ दिल से न गया सुबह के होने का कमर, विसल की रात गुजारी है, विसल की रात गुजारी है शब हिजर की, विसल की रात गुजारी शब हिजरां की तरह, विसल की रात गुजारी शब हिजरां की तरह। तो ये है कि जब विसाल मुयस्सर हो तो फिर हर वक्त धड़का होता है कि अब के गए और अब के गए। अच्छा, इस शेर को मरदी दर मंजिले जानान, इसी शेर
के मौजू को एक शायर है अली कुमी, उसने बड़े अच्छे तरीके से बयान किया है। वो कहता है कि रफ्तम के खार अज पाकशम, महमिल नहा शुद अज नजर, एक रफ्त एक एक लहजा गाफिल मांदमो सद साला राहम दूर शुद। अली कुमी कहते हैं ऐसे कि मैं काफिले के साथ जा रहा था तो मेरे चलते चलते मेरे पाँव में एक कांटा चुभ गया, तो मैं ज़रा एक साइड को एक तरफ को हो लिया ताकि अपना अपने पाँव से ये कांटा निकाल लूँ। इस एक लहजे की गफलत ने, इतनी गफलत ने कि मैं कांटा निकालूं और फिर काफिले के साथ मिलूं, मुझ पर ये खुला कि एक लहजा गाफिल मांदम, एक लहजा मेरी ये गफलत सद साला राहम दूर शुद, मेरे रास्ते को 100 साल उसने बढ़ा दिया। अच्छा, अब यहाँ पर इरफान है। इरफान ये उनके मसलन, अब आप खुदा के हुजूर में हों, अगर थोड़ी सी भी वो आप गफलत करेंगे तो जितना आप आगे गए होंगे वो रास्ता कट जाएगा, रास्ता ख़त्म हो जाएगा। अब अगले शेर में इसको मैं आपकी मज़ीद वजाहत करूँगा कि कैसे। क्लियर है यहाँ पर? अच्छा, बिमें सज्जादे रंगीन कुन गरत, गरत यानी अगर बीतू, गरत पीरे मुआ गुयद, किसालिक बेखबर नबवद ज़राहु रस्म मंजिल हा। हाफिज कहता है कि अगर तुझे पीर हुक्म दे दे, अभी ये पीर मुरीद तरीकत के ये बाब हैं, अगर तुझे पीरे मुगान कहे, तेरा पीर जो है वो तुझे कहे, तो तू क्या कर, शराब उठा ले बे मैं सज्जादे रंगीन कुर और इसको मुसल्ले पर डाल दे। गरत पीरे मुगान गुयद, अगर पीर कहे कि ये शराब है इसको आप उठा लें तो आप उठा लें, अंजाम दे दें। इसलिए कि सालिक, सालिक जो तुझे रास्ता दिखाने वाला है, सिल्क अरबी है, सालिक रास्ता दिखाने वाला, बेखबर नबवद वो बेखबर नहीं होता है, ज़राहु रस्म मंजिल हा रास्ते के जो तौर तरीके हैं वो ही जानता है। अब अगर वो पीर जिसके तुम मुरीद हो गए हो वो तुम्हें ये हुक्म दे दे कि इसको उठा ले और इस मुसल्ले पर डाल दे, तो उसमें आपने हिच वो नहीं करना है, चूम चरा नहीं करना है, आपने उसको उठाकर उस पर फेंक देना है, क्योंकि उसकी जो उसका जो हुक्म है बग़ैर किसी इल्लत के नहीं है, उसके पीछे कोई चीज़ है। और ये
रास्ता जो है इरफान का, पीरी मुरीदी का, ये बहुत वसी है। यहाँ पर अगर चीज़ तवील है, लेकिन मैं कोशिश करूँ कि मुख्तसर अल्फाज में आपको शेख सनान का वाकया सुनाऊँ। शेख सनान का वाकया फरीदुद्दीन अत्तार, यानी शेख अत्तार ने उसको अपनी किताब नंतकुतैर में बयान किया है। वो कहते हैं कि शेख सनान मक्के में पीर गुजरे हैं और ये पीर जो है 3 रात मुसलसल ख्वाब देखता है कि वो रोम में किसी ईसाई लड़की पर आशिक होता है। एक रात ख्वाब देखता है, दूसरी रात ख्वाब देखता है, तीसरी रात ख्वाब देखता है, तो अगले दिन ये क्या करता है, मुरीदों को हुक्म देता है कि चलो हम रोम चलते हैं। ये मंतकुतैर में है उसके। जब ये वहाँ पर पहुँचते हैं, मैं मुख्तसर करूँगा कोशिश, तो वो उस वही लड़की इस को एक खिड़की में नज़र आती है, वहाँ पर वो डेरे जमा लेता है। हालांकि ये बड़ा पीर है, मक्के में इसके 400 मुरीद हैं। जब वो ये डेरे जमाते हैं लेते हैं, तो उसके मुरीद बड़े हैरान होते हैं कि अब क्या करेंगे इसका। मिन्नत समाजत ये कहते हैं कि नहीं, तुम लोग जाओ, बस मैं जानूँ मेरा काम जाने, मैंने यहाँ से जाना नहीं है। अब वो भी खिड़की से देखती है और समझ जाती है, किसी को भेजती है तो पता चलता है कि इसका आशिक है, तो ये तय पाता है कि तुम मेरे 3 शराइत पूरी करोगे तो मैं तुम्हारी। उसमें से एक ये है कि तुम कुरान पाक को जला डालोगे, दूसरी ये कि तुम शराब पी लोगे, तीसरी ये कि मेरी खूकबानी, खूक सुअर, मेरे सुअरों का जो गला है इसको 1 साल के लिए चराओगे तो मैं तुम्हारी। अब वो इसको कलीसा ले जाती है। ये पहले कदम के तौर पर उसको शराब पिला देते हैं। शराब जब पिलाते हैं तो इसके जो दिल पर जो रोशनी थी वो सब खाली हो गई, अब सब कुछ करने के लिए ये तैयार है। अब जब ये नशे में आता है तो चाहता है कि हाथ उसकी कमर में दे दे। उसने कहा कि नहीं, अभी तो बहुत से रास्ते हैं। इसके सब वो क्या हुक बानी भी शुरू करता है चराना, और ये मुरीद तंग आते हैं, ये चले जाते हैं वापस काबा। वहाँ आते वक़्त एक इसका जो नायब था वो नहीं था, वो नहीं आया था। जब इनको देखा कि आप क्यों आ गए हैं, उसने कहा कि उसने तो ये कामें शुरू की थी, ये काम कर रहा था वो, तो हम कैसे रह जाते। उसने कहा कि आप लोगों ने नहीं रह रहा था। तो यहाँ पर हाफिज कहता है कि पीर अगर तुझे कहे कि ये शराब उठा लो और मुसल्ले पर फेंक दो तो करो, क्योंकि वही जानता है। उसने भी ये कहा, वो जो उसका नायब रहा था, कि नहीं, तैयार हो जाओ, हम निकलेंगे सुबह। वो रास्ते में एक जगह रोम पहुंचने से पहले 40 रात वो वहाँ पर चिल्ला काटते हैं और खुदाया हमारे इसको ये जो इम्तिहान में आपने डाला है इसका इम्तिहान ख़त्म कर दें। 40वीं रात
ये इनको बशारत मिल जाती है कि आप चलें, और वो जो जिन गुनाहों की वो तलाफी कर रहा था, वो किफारा था, वो ख़त्म हो गया है। ये भी यही ख्वाब देखता है तो सब कुछ फेंक कर रवाना हो जाता है मक्की की तरफ। ये जब रवाना हो जाता है तो रास्ते में वो इधर से आ रहे हैं, पीर इधर से जा रहा है, आपस में मिल जाते हैं। उधर वो ईसाई लड़की वो ख्वाब देखती है, बेदार हो जाती है, दौड़े 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 इनके पीछे मिल जाती है इनके साथ। तो मिलते ही ये शेख सनान के कदमों में गिर जाती है और गिर कर वहीं अपनी जान आफरीन के सपुर्द कर देती है, मर जाती है। और मरने से पहले वो कलमा पढ़ लेती है इस्लाम पर आकर। तो ये वो जो कहते हैं कि मियाने आशिक माशूक रमजस्त किरामन कातिबीन रा हम खबर निश्त, कि आशिक और माशूक के दरमियान रमज होते हैं, इशारे होते हैं, जिसका पता किरामन कातिबीन जो फरिश्ते हैं जो हमारे ये निकी बुराई लगी उनको भी पता नहीं है कि क्या है। ये क्लियर है? ये नबवद इसको ज़रूरत शहरी के तहत किया है। ये असल है न बुवद, ये ज़रूरत शहरी ताकि इसका वज़न यजूज़ो ले शायर माला यजूज़ो ले गैर, शायर के लिए जायज़ है जो दूसरों के लिए जायज़ नहीं है। तो ये ज़रूरत शहरी के लिए है। हमें कारम कार कार कारम जमा करुना, हमें कारम मेरे सारे काम जे खुदकामी खुदकामी खुदपसंदी की वजह से बेबदनामी कशीद आखिर, मेरी खुदपसंदी ने मेरे तमाम काम को बदनामी का बायस बना दिया। मेरे सारे कामों की बदनामी किस वजह से हुई कि मैं खुद पसंद था। निहान के मान निहान छुपा हुआ, कब छुपा रह सकता है कब निहान के मान आ राजी, कब वो राज छुपा रहा कजू साजंद महफिल हा,
जिससे लोग महफलों की जीनत बना दें, महफल में गपशप की जीनत बनाए। गपशप का मौजू ही जो मेरी मोहब्बत है, वही लोगों के मुंह पर गपशप का मौजू है, तो चुप कब तक ये छुपा रहेगा। तो इसी तरह ये सैयद हसन उस्ताद लतम्बर का एक अनपढ़ शायर है, इसका किस्सा मैंने आपको बताया था। शायर सैयद हसन बिल्कुल अनपढ़ शायर, बड़ा बेहतरीन शायर। ये पश्तो एकेडमी में उसने क्या एक बनारस खटक ने उस पर एमफिल किया है, अनपढ़ शायर पर उसने। तो ये कहता है कि उस सैयद हसन पजड़ के पटा उसी दे नशे, ए मेरे महबूब अब तुम सैयद हसन के दिल में नहीं छुपी रह सकती हो, इसलिए कि बात आम हो गई। हुआ था महफिल था, बात तो महफिल में आम हो गई, वो साजुनों के नगमा शोला और लोगों ने इसके नगमे बनाए साज में बजाते हैं। तो यही हाफिज के इस शेर का मकसद है। ये कशी का लफ्ज़ की थोड़ी वजाहत करें कि कशीद खींचना यानी बदनामी तक ले गई, कशीदन खींचना। मेरी जो खुदगर्जी है उसने मेरे तमाम कामों को बदनामी तक पहुंचाया, कशीद। ये फिर हजूरी दरहमी खाही अजू गायब मशो हाफिज, ऐ हाफिज अगर तू चाहता है कि हमेशा यार के हुजूर मैं हाजिर रहे, आपकी हाजिरी उधर लगती रहे, अजू गायब मशो हाफिज, तो ऐ हाफिज उससे गायब न हो, इससे उससे उधर इधर नहीं जाना, बस उसी के साथ पड़े रहना है, उसी के याद में रहना है। इसलिए कि मत, ये दूसरा भी अरबिका है, मता जब मा तलका तू मुलाकात हो जाए तेरी, मन तहवा जिसकी से तेरी ख्वाहिश हो, इसलिए कि जब तेरी मुलाकात उस शख्स से हो जाए जिससे मुलाकात करना तेरी ख्वाहिश हो, तो फिर क्या करो, दई दुनिया, दुनिया को विदा कहो, दुनिया को खुदा हाफिज कहो, व अहमिलहा दुनिया को भी और जो कुछ इसमें है उसको भी खुदा हाफिज करो। ठीक है, सवाल है अपनी फीडबैक के तौर पर हमें दिया करें। इसके अलावा अगर आपको किसी हाफिज या किसी और फारसी शायर की कोई गज़ल अच्छी लगती है उसका भी हम बता दें, हम कोशिश करेंगे कि अपने प्रोग्राम में उसको जगह दे दें। खुदा हाफिज़।